नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंदर यादव स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ विद हरिंदर यादव पे। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस के अंदर देखा कि हम 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। कह रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दो इस सेट को। ये कोई सेट दिया हुआ है, इसका एलिमेंट दिए हुए हैं 3, 6, 9 एंड 12 के इक्वल। तो दोस्तों हम देख पा रहे होंगे कि इनके अंदर ये 3 को हम कह सकते हैं 3, ये आपको समझाने के लिए है ओनली, 3 × 1 कर सकते हैं। ऐसे ही 6 को हम 3 × 2 भी लिख सकते हैं और 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 के इक्वल, और 12 को लिखेंगे 3 × 4 के इक्वल। तो यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे दोस्तों, सबके अंदर 3 से मल्टीप्लाई चल रहा है, यानी 3 इन सब में कॉमन है, 3 तो इनका मल्टीपल है ही है। तो इनका जो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर जो बनेगा वो इस प्रकार बनेगा। देखिए दोस्तों, ये हो गया सेट, उसके अंदर एक एलिमेंट है एक्स। मान लेते हैं इसके अंदर एक एलिमेंट है जो कि है एक्स। एक्स को अब डिफाइन करना पड़ेगा, एक्स इज इक्वल टू आएगा किसके इक्वल, 3। 3 सब के अंदर है तो 3 आएगा, उसके बाद में ये 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि नेचुरल नंबर्स चलते आ रहे हैं, तो 3n के इक्वल ले लेते हैं। फिर n को डिफाइन करना पड़ेगा, तो n को डिफाइन कर देंगे, n बिलोंग्स करता है किससे, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n से। ये दोस्तों नेचुरल नंबर n, ये नेचुरल नंबर का सिंबल है दोस्तों एन, तो ये उसको बता दिया हमने, एन जो है नेचुरल नंबर एन से बिलोंग करता है। अब इनकी लिमिट और बतानी पड़ेगी, एन की लिमिट कहां तक है, एंड एन जो है वो क्या है, ग्रेटर है और इक्वल है किसके, 1 के, क्योंकि यहां पे 1 आया है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, लेकिन लेस देन और इक्वल टू है किससे, 4 से। 4 से लेस देन और एक इक्वल है, लेस देन और इक्वल। तो ये बन गया है सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर ये सेट। चलिए दोस्तों सेकंड पार्ट के ऊपर चलते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर क्या कह रहा है, ये कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 2, 4, 8, 16 एंड 32। तो दोस्तों हम देख पा रहे होंगे ये सारे के सारे क्या हैं, 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, जबकि 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, एंड 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो यहां पे हमें पता लग रहा है, तो सेट क्या बनेगा, सेट बनेगा एक्स। एक्स है सेट के अंदर, एक्स एक्स को आप डिफाइन करेंगे, एक्स इज इक्वल टू, हम देख रहे हैं सबके अंदर 2 तो आ ही रहा है, तो 2 को तो एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद ये नेचुरल नंबर बढ़ते जा रहे हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो 2 की पावर n कर देते हैं, और n को अब डिफाइन करना पड़ेगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n, कैपिटल n दोस्तों डिनोट करता है नेचुरल नंबर को, फिर दोबारा आपको बता देता हूं। और उसके बाद हम लिमिट फिक्स कर देंगे, एंड n जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल है 1 के, यानी 1 के इक्वल है और उससे बड़ा है, जबकि स्मॉलर देन और इक्वल है किससे, 5 से, 5 के इक्वल भी है और 5 से छोटा है। तो ये बन गया दोस्तों सेट, जो कि सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सॉरी पार्ट 3 के ऊपर। थर्ड पार्ट के अंदर दोस्तों एलिमेंट दिए हुए हैं 5, 25, 125 एंड 625। तो दोस्तों यहां से भी हमें पता चल रहा है कि जो 5 है उसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1, उसके बाद 25 को 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, 125 को 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, और 625 को 5 की पावर 4 लिख सकते हैं दोस्तों। तो जो ये सेट बनेगा वो बनेगा एक्स, इसके अंदर एलिमेंट है, फिर एक्स को डिफाइन करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 5 तो फिक्स हो गया, तो 5 और उसकी पावर एन कर देंगे, फिर
फिर एन को डिफाइन करेंगे, एन जो है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कैपिटल एन से। उसके बाद में लिमिट फिक्स करनी पड़ेगी एंड वन के ग्रेटर और इक्वल होगा एन, जबकि लेस देन और इक्वल टू होगा फोर के। तो ये सेट बन गया दोस्तों। चलिए फोर्थ के ऊपर चलते हैं, फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट के अंदर आपको दिख रहा होगा 2, 4 एंड 6 एंड so on, ये दिया हुआ है दोस्तों। तो इसके अंदर सीधा सीधा दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये नेचुरल नंबर भी है साथ में इवन नंबर्स चल रहे हैं। तो इसके अंदर हम सीधा दे सकते हैं कि एक सेट है जिसके अंदर x है, और x क्या है, x को डिफाइन करेंगे x इज ए इवन नेचुरल नंबर। बस ये सेट बनेगा। चलिए लास्ट पॉइंट के ऊपर इसके चलते हैं, पॉइंट नंबर फोर के ऊपर, जिसके अंदर एलिमेंट दिए हुए हैं दोस्तों सेट में 1, 4, 9 एंड so on 100 के 100। तो दोस्तों हम देख पा रहे होंगे जो वन होता है उसको हम लिख सकते हैं 1 की पावर 2, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, जबकि 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और ऐसे ही सो ऑन चलते चलते 10 की पावर 2 करेंगे तो वो 100 के इक्वल ही आते हैं दोस्तों। तो ये यही दिया हुआ है इसके अंदर। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि भाई कोई सेट है जिसके अंदर x एलिमेंट है, और x यहां पे हमें दिखाई दे रहा है कि जो पावर है वो तो फिक्स है, लेकिन यहां पे बढ़ते जा रहे हैं, ये नेचुरल नंबर्स आते जा रहे हैं 1, 2, 3, 4, so on 10 तक। तो यहां पे क्या कर सकते हैं, x और x इज इक्वल टू करेंगे कितना, n की पावर 2, फिर n को डिफाइन करेंगे, n बिलोंग्स करेगा किससे, नेचुरल नंबर से, ठीक है। उसके बाद लिमिट को फिक्स करेंगे एंड n जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना है 1 के, क्योंकि 1 आया हुआ है इसलिए 1 आएगा यहां पे। उसके बाद में n और लेस देन और इक्वल है किससे, 10 से। तो ये दोस्तों सेट बन गया है। दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों के समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।